खरगोन जिले के महेश्वर से बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई, जिसमें कुल 19 पेटी जिसकी कीमत 74,500 की बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर एक सिल्वर रंग की इनोवा गाड़ी में एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर मातमोर से महेश्वर होते हुए मंडलेश्वर की तरफ जाने वाला है। निरीक्षक हाकम सिंह पवार ने अपनी टीम को BSNL ऑफिस के पास मातमोर रोड पर भेजा, जहां टीम के द्वारा घेराबंदी कर इनोवा गाड़ी MP09BC9298 को पकड़ा। इसमें 19 पेटी अवैध पक्की शराब, कुल मात्रा 171 लीटर, कीमत 74,500 की है। वाहन चालक से जब उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुकेश उर्फ बच्चू, पिता बलराम पटेल, निवासी ग्राम मातपुर थाना महेश्वर का होना बताया और जिस इनोवा गाड़ी को चला रहा था उसमें जो अवैध शराब मिली है उस संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा गाड़ी और शराब राजेंद्र जायसवाल उर्फ राजेंद्र सुपारी, पिता बद्रीलाल जायसवाल, निवासी महेश्वर द्वारा लाकर उसके घर पर मातपुर में देकर मंडलेश्वर महेश्वर के ढाबों पर देना बताया। उक्त इनोवा गाड़ी की नंबर प्लेट एवं इंजन चेचिस नंबर प्लेट पर लिखे गए थे, वो नंबर RTO पोर्टल पर चेक करने पर नंबर फर्जी होना पाया गया है, जिस पर आरोपी के कब्जे से उक्त वाहन और शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीकांत ने साहब के मार्गदर्शन में कल दोपहर करीब 1 बजे के आसपास मुखबिर की सूचना मिलने पर हमारे TI साहब श्री हाकम सिंह पवार साहब के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर तिवारी के हमारा स्टाफ को रेड की कार्रवाई करवाई गई। मातमोर से महेश्वर मंडलेश्वर की ओर अवैध रूप से परिवहन करते हुए इनोवा गाड़ी आ रही है और जिसमें बच्चू उर्फ मुकेश गाड़ी ड्राइव कर रहा पता लगने पर घेराबंदी की, जो BSNL टावर के पास में गाड़ी रोकी गई। चेक करने पर इनोवा गाड़ी में 19 पेटी अवैध परिवहन करते हुए शराब पेटियाँ मिली, जो 171 लीटर टोटल निकली और जो 74,500 रुपये की इनोवा गाड़ी जिसमें नंबर प्लेट और चेसिस नंबर इंजन नंबर भी फर्जी निकले, जो टेम्परिंग किए गए धारा 426-67 की धारा भी उसमें हम अवैध परिवहन शराब के साथ लगा रहे हैं और हमारी टीम ने बढ़िया काम किया इस प्रकार से। और इसमें सरगना राजीव सुपारी करके उसके द्वारा परिवहन करके इसको देना बताया और जो यहाँ लोकल सप्लाई करने का काम करता है। सर, लगातार शराब के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उसके बावजूद यह कहीं रुक नहीं पा रहा, तो कहीं पुलिस इसको अपना फेलियर मानती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सूचना मिलती है पुलिस को उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब अवैध रूप से धंधा करने वाले चोरी छुपे करते हैं, जो आप लोग पब्लिक प्लेस में रहते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी रहती है और ऐसे ही समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही सूचना मिलती कर रहे हैं। सर, अवैध शराब की भी दो परिभाषाएं शासन के द्वारा तय की गई, ऐसा लगता है, क्योंकि जो शासकीय ठेकेदार है वो भी उन्हीं पॉइंट पर बेच रहे हैं जहां अवैध शराब बिकती थी, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जी, वो सूचना मिलेगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।